पांडे में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में विकासखंड मुंडा पांडे में किसान मेले और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इसमें किसानों से संबंधित सभी मुद्दों की चर्चा भी की गई। जिला कृषि अधिकारी रितु शाह तिवारी ने कहा कि किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत विकासखंड मुंडा पांडे में किसान मेले व गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत जिले के किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास किए जा रहे हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए जनपद में कृषि व कृषि आधारित अन्य गतिविधियों जिसमें पशुपालन, गन्ना, स्वास्थ्य, उद्यान, मत्स्य कार्यक्रम, मंडी, पंचायती राज आदि विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए हैं। जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे तथा कृषि से जुड़े अन्य विभाग हैं उनकी जानकारी दी जाएगी तथा किसान अपनी आय को किस तरीके से बढ़ाएं इसके लिए भी वैज्ञानिक संवाद भी रखा गया है और यहाँ पर कृषि के साथ साथ अन्य विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि किसान हर योजना का हर विभाग का लाभ। आज यहाँ मुंडा पांडे ब्लॉक में किसान मेले का आयोजन किया गया है। बहुत उपयोगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को देखा। खाद और अन्य प्रकार के उनके संरक्षण से संबंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने किसान भाइयों के लिए जो ये किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए समस्त क्षेत्र के किसानों को यहाँ आना चाहिए और सरकार के द्वारा सुझाए गए इस तरीके के अभियानों का लाभ उठाना चाहिए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, अपनी फसल को दोगुनी करें और बेहतर से बेहतर अच्छी से अच्छी फसलों का उत्पादन करें। इस देश के अंदर किसानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं जो तरह तरह के अभियान चला रही हैं, कर रही हैं, निश्चित तौर पर बधाई की बात है। मैं इस तरीके के मेले के आयोजनकर्ताओं को और अपने कृषि अधिकारियों को इनको सबकी सराहना करता हूँ और इसी तरह गांव-गांव में अंदर तक इसको जागरूकता अभियान के द्वारा इसको जागरूक किया जाए।